वेल गाइस, संडे तो ऑलरेडी हर किसी का स्पेशल होता है, लेकिन उसे और स्पेशल बनाने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। जी गाइस, जिसमें हम बात करने वाले हैं रॉटवेलर पपीज के बारे में, जो कि अल्टीमेट क्वालिटी के हैं। तो अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज करना चाहते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में इन पपीज के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो वो सभी चीजें आप लोगों को इसी वीडियो में पता लग जाएंगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले आप लोग इन पपीज की क्वालिटी देखें। पपीज सुपर क्वालिटी में, काफी हेल्दी, काफी एक्टिव एंड काफी डार्क कलर में। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, क्वालिटी में आप लोग को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी प्योरिटी की श्योरिटी आप लोग को साथ में मिलेगी, जो है इनके केसीआर पेपर्स। जी हां गाइस, पपीज काफी अच्छी ब्लड लाइन से एंड केसीआर रजिस्टर्ड है। वैसे उन्होंने मुझे इन पपीज के पेरेंट्स के केसीआर पेपर्स भी सेंड कर रखे, बट उन्होंने मना किया कि भाई इस चीज को आप लोग यूट्यूब पर मत डालना, तो वो चीज आप लोग को पर्सनली मिल जाएगी। आप लोग एनी टाइम उन्हें कॉल या मैसेज कर सकते हो। सभी ओनर्स का कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाता है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रॉटवेलर को किस टाइप की फैमिलीज परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट कुछ और है और आप लोग कुछ और परचेज कर रहे हो, तो इसमें आप दोनों को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हो सकता है कि आप लोग काफी परेशान भी हो जाओ। तो पहले मैं आप लोग को रॉटवेलर के बारे में बता देता हूँ कि किस टाइप की डॉग ब्रीड है। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप लोग को एक काफी तगड़ी, हट्टी कट्टी एंड पावरफुल डॉग ब्रीड लेनी है ना, तो आप लोग रॉटवेलर को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि रॉटवेलर भाई वन ऑफ दी बेस्ट गार्ड डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं और ये फियरलेस होते हैं, जो किसी से भी नहीं डरते और फैमिलीज के लिए काफी प्रोटेक्टिव भी। उन्हें स्ट्रेंजर्स इतने ज्यादा पसंद नहीं होते और दूसरे एनिमल्स भी, अगर इनके एरिया में कोई दूसरे एनिमल्स आते हैं तो ये उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो रॉटवेलर को अगर आप लोग एज ए डॉग ट्रीट करोगे ना, तो ये अग्रेसिव हो सकते हैं, बट अगर आप लोग इन्हें एज ए फैमिली मेंबर की तरह रखते हो तो आपके काफी अच्छे कंपेनियन भी बन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग क्वालिटी परचेज करते हो ना किसी भी डॉग में, तो आप लोगों को उन्हें फूड भी वैसा ही देना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग अच्छी क्वालिटी तो परचेज कर लेते हो, लेकिन बाद में आप लोग उन्हें दूध और ब्रेड खिलाते हो, फिर बाद में आप लोग उन्हें ब्लेम करते हो जहाँ से आप लोग डॉग लेकर आए हो कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई। By the way guys, एक बार मैं आप लोगों को इन पपीज के पेरेंट्स से ही मिलवा देता हूँ। तो गाइस, फिलहाल जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन पपीज के फादर हैं, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में, काफी हेल्दी, काफी हैवी बोन और ये इम्पोर्ट लाइन से हैं। क्योंकि इस डॉग की जो फादर हैं वो डायरेक्ट इम्पोर्ट हैं, और मदर के बारे में बात करें तो भाई मदर की क्वालिटी भी एक्सीलेंट है और ये चैंपियन लाइन से है। बाकी इनकी ब्लड लाइन के बारे में ओनर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एंड साथ में केसीआर पेपर्स भी सेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें ना, पपीज 38 डेज के हो चुके हैं, उन्होंने 2 times डिफॉर्मिंग भी कर रखे है। एंड जब आप लोग इन पपीज को परचेज करोगे ना, तो उस टाइम ओनर आप लोगों को फर्स्ट वैक्सीनेशन भी लगा के देंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है बरेली उत्तर प्रदेश से, एंड ऑफकोर्स आप लोग को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी मिल जाएगी और वो भी एक्स्ट्रा चार्ज पर। बाकी आप लोग ओनर के कैनल पर विजिट करके भी इन पपीज को परचेज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई यहाँ पर आप लोग को छोटा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और वो ये है कि इनका प्राइस रिवील नहीं किया, क्योंकि पपीज केसीआर रजिस्टर्ड है, तो शायद जिस टाइप के कस्टमर मिलेंगे उस टाइप से वो इन्हें हैंडल कर लेंगे। बाकी इतना मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि पपीज का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उसी हिसाब से आप लोग डॉग ओनर से कांटेक्ट करें। बाकी आशा करता हूँ आज की पपीज की क्वालिटी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।